नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। शारदा मनी स्कूल के 8वीं, 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चे सारे एकत्रित हो गए हैं और स्कूल के समक्ष खड़े हैं। इन बच्चों द्वारा छात्र संघ के नेता का कहना है कि जो भी दोषी पाया गए हैं उसे जेल भेज दिया गया है और उन पर कड़ी कार्यवाही भी की जा रही है, लेकिन वे सभी बच्चे स्कूल के हेड प्रिंसिपल और मठ के हेड से मिलना चाहते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि इससे पहले भी काफी लोगों ने इस बारे में स्कूल में शिकायत की थी मगर इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और अब ये चाहते हैं कि इस मामले में जो भी संदिग्ध है उन सभी को कड़े से कड़ा सजा मिलना चाहिए। जो भी घटना घटा शारदा मुनि स्कूल में एक बच्ची के साथ में निवस्त कराने का जो मामला है, उस मामले में संबंधित जो शिक्षिका है उनको जेल भेज दिया गया है और उन पर कड़ी धाराओं के साथ में कानूनी कार्रवाई उस पर की जा रही है। आज यहाँ पे उनके क्लास के कुछ बच्चे 8, 9, 10 के जो बच्चे हैं आज एकत्रित हुए हैं यह मांग को लेके कि हम प्रिंसिपल से मिलना चाहते हैं और मठ के जो स्वामी जी हैं हम उनसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि उस मैडम के खिलाफ पहले भी बहुत सारा कंप्लेंट किया है, कंप्लेन में कार्रवाई क्यों नहीं हुआ। परंतु आज रविवार है, मिलने में सब लोग संकोच कर रहे हैं, इसीलिए हम इन बच्चों से बात कर रहे हैं। आगे क्या करेंगे हम लोग? आगे हम लोग यही कार्रवाई मांग कर रहे हैं कि जो इस पूरे प्रकरण में संलिप्त जो लोग हैं, शिक्षिका जेल जा चुकी है, इन इस मामले में जो भी लोग की संलिप्तता है उन पे भी हम लोग कार्रवाई का मांग कर रहे हैं। छात्रा की हालत नाजुक है, छात्रा की हालत नाजुक बनी हुई है और सारे छात्र उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम लोग कामना करते हैं कि जल्दी वो स्वस्थ हो जाए और फिर से स्कूल ज्वाइन करे और एक छात्राओं के लिए मिसाल बनते हैं। अपना परिचय हेमंत पाठक, अखिल झारखंड छात्र संघ प्रधान अध्यक्ष। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।